हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिला हूँ, शिला की ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। आप लोग को मैंने प्रॉमिस किए थे कि दिवाली से पहले एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों के साथ, तो मैं वो दिवाली के से पहले वीडियो को कंटिन्यू करने चले आई। पहले तो एडवांस में आप लोग को दिवाली का मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली, दिवाली का हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। आप लोग अच्छे से दिवाली को इन्जॉय कीजिए, फेस्टिवल को, और अच्छे से रहिए, क्योंकि अभी मौसम ख़राब है तो हर घर में सर्दी फीवर तो लगी ही है, तो इसको भी नज़र रखते हुए इन्जॉय कीजिए। तो मैं तो अपना दिवाली का घर साफ़ सफाई कर लिए। आप लोग कौन कौन साफ़ सफाई किए अच्छे से? हर कोई करते हैं, बट आप लोग का साफ सफाई हुआ कि नहीं मुझे कमेंट कीजिएगा। और नहीं हुआ तो जल्दी जल्दी साफ़ सफाई कर लीजिए घर का। और सबसे बड़ा बात है कि दिवाली में एक बात बोलने में आई थी आप लोगों के साथ, मतलब डिस्कस करने के लिए कि धनतेरस आ रहा है। ऐसे भी कलकत्ता में चतुर्दशी जब लगते हैं तो 14 साग खाया जाता है और 14 दिया दिया जाता है, तो मैंने थोड़ा मोड़ा मार्केटिंग कर ली है अपना। आप लोग का कितना दूर मार्केट हुआ वो भी कॉमेंट में बताना। और ऐसे भी कलकत्ता में तो काली पूजा होता ही है, ऐसे भी सुबह में हम लोग माँ काली के जब अमावस्या लगते हैं तो पूजा देते हैं घर से, हम देते हैं। और सबसे बड़ा है मेरे घर में भी माँ काली है तो उनका भी पूजा करते हैं घर में। ऐसे भी धनतेरस के दिन हम लोग लक्ष्मी गणेश का पूजा करते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी गणेश लाना ज़रूरी होता है, क्योंकि धन प्राप्ति के लिए बोला जाता है पूजा करना ज़रूरी होता है। तो मैं तो करने वाली हूँ, आप लोग भी करते हो कि नहीं मुझे कमेंट करना। ऐसे भी धनतेरस के दिन जैसे बोला जाता है कि चांदी सिल्वर गोल्ड या डायमंड खरीदते हैं, बट हम डायमंड खरीदते हर साल, पर मेरे जो राशि है, मैं जो राशि में जन्म ली है वो राशि में मेरा चांदी जाता है, मतलब सिल्वर शुभ होता है। ठीक है, तो सोच रहा है इस बार क्या खरीदे, अभी तक खरीदे नहीं, बट खरीदेंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर उसको भी शेयर करेंगे। और देखिए, वो ये सब तो होगी हम लोग की बात, ठीक है। बहुत कोई इंसान है जिसको जो एफर्ट नहीं कर पाते तो बर्तन खरीदते हैं जाके, बट बहुत किसी का वो भी खरीदने का मतलब नहीं होता क्षमता, तो वो क्या करे, उसको क्या माँ लक्ष्मी ना आए घर में, क्यों ना आए। तो आप लोग के लिए मैं एक बात बताती हूँ, ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना समझते हो तो, क्योंकि इसमें आप लोग का ही फायदा है। तो जिसको मतलब ये सब खरीदने का मतलब एफर्ट करने का क्षमता नहीं है, कोई बात नहीं है, इसमें दिल खराब करने की कोई बात नहीं है। आप लोग एक काम कीजिएगा, जैसे एक मिट्टी का छोटा सा घट ले लीजिएगा, ओके, और उसमें गेहूं भर लीजिएगा और उसके अंदर 10 रुपया का एक कॉइन उसके अंदर रखिएगा, और लाल कपड़ा में उसको मोड़ के लाइए घर में, ठीक है। लाने के बाद उसको रसोई घर मतलब किचन में उसको स्थापन कर दीजिएगा, किचन में रख दीजिए साइड में, ठीक है। आपको सोना चांदी डायमंड सिल्वर प्लैटिनम जो है उसका बराबरी का आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। आप ये ट्राई करके देख सकते हो। और ऐसे भी आपके धनतेरस आ रहा है, फिर दिवाली है, तो दिवाली में तो घर को सजाना होता है। जैसे हम लाइटिंग लगा लिए घर में, दिवाली में हम दीपावली में हम लोग जैसे दिया लगाते हैं, अभी कैंडल भी कलरिंग लेके आए वो भी लगाएंगे घर में सजाएंगे, तो दिवाली को अच्छे से आप लोग इन्जॉय कीजिए। हाँ, दिवाली में जैसे घर का साफ़ सफाई के नज़र तो रखना ही पड़ता है, घर का साफ़ सफाई करना पड़ता है, और सबसे बड़ा बात है आपका मुख्य द्वार जो होता है, दरवाज़ा जो होता है, उसका भी साफ़ सफाई करना पड़ता है। तो हम लोग तो ऐसे, आप लोग भी कीजिए, जो मुझे पता है जो मैं जानती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। मुख्य द्वार पर जैसे हल्दी का या कुमकुम लोहड़ी का स्वास्तिक बनाइए, फिर गणेश भगवान का तस्वीर लगाइए, तो ये सब दिवाली के दिन करते हैं हम लोग, क्योंकि घर में समृद्धि सुख समृद्धि बने रहे, तो ये सब तो हम लोग करते ही हैं।
आप लोग भी शायद करते होंगे, क्योंकि जो बिहारी है, मतलब आई मीन बंगाली नहीं है, वो लोग को तो अच्छे से पता ही है। जैसे मतलब बंगाली छोड़ के बंगाली लोग भी बहुत करते हैं अब ये सब, बट ये बात नहीं है बंगाली लोग नहीं करते हैं। बट जो अदर कास्ट जैसे पंजाबी हुआ, मारवाड़ी हुआ, बिहारी हुआ, तो वो लोग तो राजपूत हुआ, ये लोग तो करते ही है, क्योंकि दिवाली का जो पर्व है। फिर हम लोग घर का साफ सफाई जो होता है उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और दिवाली के दिन घर में अच्छा अच्छा पकवान बनते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अच्छा अच्छा पकवान खाना, खास करके मीठा चीज़। तो बस आप लोग के घर में क्या क्या बनता है क्या नहीं बनता है अपना समझते हो तो मुझे बता ही सकते हो। तो आज मैं ये वीडियो लेके आई थी आप लोगों के लिए। तो मैं जैसे दिया खरीद लिए, कैंडल खरीद लिए, कल सोच रहा है निकलेंगे तो मुझे माँ लक्ष्मी या गणेश भगवान जी लाना है, क्योंकि धनतेरस में मुझे पूजा करना है। तो मैं पूजा करती हूँ धनतेरस में घर में लक्ष्मी गणेश का, कुबेर जी का। तो आप लोग भी कीजिए और इस फेस्टिवल को हैप्पीली इंजॉय कीजिए, अपनों के साथ प्यार से रहिए, अपनों को प्यार दीजिए और मुझे भी दीजिएगा प्यार, मैं भी तो आप लोग का अपना हूँ। और सबसे बड़ा बात है कि देखते देखते दुर्गा पूजा चला गया, काली माँ का भी दिवाली भी आ गया, माह चला जाएगा, फिर हम लोग का लाइफ जैसा है वैसा ही चलने लगेगा। बट जब माँ आए हैं, मतलब काली माँ आए हैं, दिवाली आए हैं, इसको दिल से इंजॉय कीजिए बहुत अच्छे से, और डिस्टेंस बना के रखिए, क्योंकि कोरोना का जो प्रभाव है वो तो अभी तक गया नहीं, ठीक है। और वेदर भी थोड़ा चेंज हो रहा है, इसका भी ख्याल रखिएगा। तो मुझे जाने की ज़रूरत दीजिए, आ जाने से पहले फिर मेरे तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से आप लोग को दिवाली का हार्दिक शुभकामनाएं हैं, हैप्पी दिवाली, और ऑलवेज स्माइल करते रहिएगा, और मुझे दुआओं में याद कीजिएगा, और मुझे जाने की ज़रूरत दीजिए। टाटा।